बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। एकदम आदि को प्रभु क्या नाम है जी मैंने उनकी बच्ची का नाम दिया लक्ष्मीकांत जी नाम है और मैंने इनका नाम दिया उन्होंने कम्प्लीट किया था ताली हो जाए। अपना घर में भक्तों को बुलाए घर में भगवान की कथा हो रही है घर में भगवान का कीर्तन हो रही है भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिस घर में प्रभु का कीर्तन सत्संग हो फिर वो घर घर नहीं तो घर भगवान का धाम हो जाता है। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तथा यथा च्युता दर कथा प्रसन्न मतलब जिस घर में भगवान अच्युत का कथा हो कीर्तन हो कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ उस घर में आकर बैठ गए सारे तीर्थ वहीं पर आ गए। बोले कितना जगत में तीर्थ है बोले 6 अरब। कितना है 6 अरब। 1 अरब कितना होता है 7 अरब। 7 करोड़ होता है 1 अरब और 6 अरब मतलब क्या है 6 करोड़ तीर्थ उसी घर में आ गए जिस घर में प्रभु की कथा और भगवान की कीर्तन हो रहे इसलिए और हम कितने सारे तीर्थ में बैठ बैठ करके बिना पैसा का स्नान करें ऐसे केवल तीर्थ आ गए मतलब सारे तीर्थ में हम बैठ करके नहा भी लिए तथा गंगा में जो स्नान कर लेकिन अगर कोई 600 अरब तीर्थ में अगर कोई स्नान करे 600 करोड़ तीर्थ में जितने आपको पुण्य मिलेगी उससे ज्यादा पुण्य मिलेगी अगर किसने कथा रूपी गंगा में नहा लिया तथा रूपी गंगा में नहा लिया। इसलिए शास्त्र में एक श्लोक आया है बोले गंगा पापम बोले शशि तापम कन्या कल्प तरु हरे पाप ताप तथा धन्यम हरेत सत समान सत्संग महिमा बताए हम गंगा क्यों जाते हैं कहते ना चलो पाप को धो करके आ जाए बोलते ना चलो पाप को धो करके आ जाए इसलिए गंगा पाप ग्रहण करती है। बोले शशि मतलब होता है चंद्रमा जैसे दिन भर देखो सूरज का किरण कितना तेज है लेकिन रात में जो चंद्रमा उदय हो जाए कितना कोमल कितना ठंडा है इसलिए कहते शशि तापम ये चंद्रमा हमारी ताप को कष्ट को दूर करता है। और एक कल्प वृक्ष स्वर्ग में कल्प वृक्ष क्या हरण करता है बोले दैन मतलब वो वृक्ष को नीचे जो मांगो उनको वो ही दे देगा कहते ये कल्प वृक्ष ये हमारी जो दरिद्रता को हरण करती है लेकिन जो सत्संग है कहते ये सत्संग तीनों चीज भी हरण कर लेगा कहते पाप को भी हरण करता है ताप को भी हरण करता है और हमारी दरिद्रता को भी ये सत्संग दरिद्रता को भी हरण कर लेती है ये सत्संग। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जीवन की ये सत्संग भी नहीं मिलता सत्संग के बगैर तो ज्ञान ही नहीं मिलता। इसलिए आज समझो हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है घर में सत्संग घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो रही और भागवत में तो पृथ्वी महाराज कहते हैं अगर जिस घर में साधु संतों की समागम नहीं है ना क्या वो घर नहीं है क्या वो एक पील है जिसमें केवल जहरीले सांप रहते हैं। भागवत में तो पील है जहरीले सांप मतलब क्या तो जिस घर में संतों का समागम हो जिस घर में हरि कथा हो तो घर का परिवेश अलग हो जाता है सब के सब भगवान की भजन करते हैं भक्ति करते हैं ठाकुर का नाम लेते हैं भक्ति करते हैं और जिस घर में प्रभु का भक्ति कीर्तन हो ठाकुर जी वही पर है और वही घर ही वृंदावन होते हैं। लेकिन जिस घर में संतों का समागम नहीं फिर घर में क्या होता है इसकी चुगली उसकी बुराई घर में धीरे धीरे अंडा आना शुरू हो जाएगा फिर मदिरा आना शुरू हो जाएगा घर में मांस बनना शुरू हो जाएगा केवल घर में कलह लड़ाई और क्या होगा इसके सिवाय संसार के लोग क्या करेंगे एक करेंगे इसलिए कहते वो घर नहीं वो जहरीले सर्पों का निवास हो जाता है वो घर में
इंसान नहीं वो जहरीले सांप ही रहेगा। ये वृद्ध महाराज कह रहे, इसलिए मिया मैंने क्या करो, घर में भक्तों को बुलाओ, घर में हरि कीर्तन हो, घर में हरि चर्चा हो, हैं? इसलिए घर में श्री जब नंद बाबा, नंद बाबा कौन है, कृष्ण की पिताजी है। जब इनके घर में गर्गा जाग जाए, ये नंद बाबा भगवान के पिता स्वयं कहते हैं, मतलब आज का हमारे घर पवित्र हो गया, हमारे घर आज धन्य हो गया है, क्यों घर में संत आएंगे, संत आएंगे तो क्या होगा, हरि चर्चा, हरि कीर्तन, हरि की नाम ही होगा, हमारे घर तो पवित्र हो गया, अहो भाग्य हमारे घर में संतों का पदार्पण हुआ है। पहले घर में संत क्यों आते हैं, क्या हमसे लेने के लिए बुलाते, कहते लेने के लिए नहीं, हमें देने के लिए आते, हमें देने के लिए, भले संत क्या देंगे, बल्कि हम तो संतों को जो भोजन कराएंगे, कुछ प्रणाम देंगे, तो संत हमें क्या देकर के जाएंगे, बोले भैया संतो जो चीज देते हैं वो अनमोल चीज देते हैं, हम तो थोड़ी पैसा दे देंगे तो एक बार भोजन करा देंगे, लेकिन वो जो चीज देते हैं ना दुनिया में वो चीज और कोई हमें नहीं दे सकते, नहीं सकते। इसलिए आपके छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो, संत हमें देते नहीं थे। बोले एक समय कोई एक राजा का बेटा था, बच्चा ने कुछ गलती था तो राजा ने डांट लगाया, जब राजा ने डांट लगाया उसको तो मन बुरा खराब हो गया, बोले पिताजी हमें उल्टा पिल्टा हो गई, यही गाली थी, उसने घर छोड़कर चला गया। जब चला गया अभी राजा तो बड़ा दुखी, क्योंकि एक ही बेटा था, भविष्य में राज सिंहासन को जो संभालने वाला, लेकिन घर छोड़कर चला गया तो राजा बड़ा दुखी, बेटा कहाँ गया, किसी रूप में रह रहा, राजा का बेटा साधारण है नहीं। एक दिन मंत्री ने देखा राजा बड़ा दुखी है, ऊपर का हंसता लेकिन अंदर में देखा ना ये गुमसुम रहता है, अंदर में इसकी खुशी आ रही नहीं। एक दिन मंत्री ने पूछा, महाराज लगता है आप तो अंदर बड़े दुखी लग रहे हो, आप दुखी क्यों हो, तो उन्हें सारी बात बताया, एक ही बेटा था, कोई गलत काम किया तो डांट लगा तो घर छोड़कर चला गया, पता नहीं इस अवस्था में कैसे कहाँ रह रहा है, और एक दिन राज सिंहासन को ही संभालने वाला। तो मंत्री ने कहा अगर आपका आदेश हो आपको बच्चे को मैं ढूंढने जाऊं, जाकर के इसी तरह से मेरे बच्चे को तो वापस ले आ। वो मंत्री ढूंढा, वो गया था, घूमते 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 जाकर के देखा एक चाय की दुकान में वो काम कर रहा है, और जो जो झूठन जो प्लेट है ना उसको धो रहे हैं, टेबल को साफ कर रहा है, और राजा का बेटा। उसने मंत्री जाकर के उसको डायरेक्ट बताया, नहीं मैंने राजा ने ये हमें भेजा है, वो डायरेक्ट नहीं बताया, उसने जाकर के उसको साथ में मित्रता कर ली, दोस्त बना लिया। आप देखना जब कोई इसको दोस्त बन जाता है ना तो दिल की बात को खोल करके बोल देता है, और उसका पूरा दोस्त बन गया। दोस्त जो बन गया, एक दिन मंत्री ने बोला भैया तू तो देखने पर लगता है या कि ये बर्तन धोने वाले और प्लेट को साफ करने वाले दिख नहीं गए, तेरे जो चेहरा है तेरे जो चेहरा तो बड़े लंबे चौड़े बड़े सुंदर दिखने में, तू बात क्या है, तू यहाँ ये बर्तन क्यों धो रहे हो। उसका अपना घनिष्ठ दोस्त बन गया ना, जब उन्होंने ये बात को पूछा पूछते तो वो बच्चा तो रोना शुरू कर दिया, राजा का बेटा रोना शुरू कर दिया, कहते मैं अमुक देश का राजा का बेटा, एक दिन मेरे से कुछ गलती हो गई, मेरे पिता की मेरे को डांट लगा दी, और मैंने अपना अभिमान से घर तक छोड़ करके आ गया, अभी पेट पालू कैसे, इसलिए ये चाय की दुकान में मैं काम कर रहा हूँ, चाय की दुकान में मैं काम कर रहा हूँ। इतने में मंत्री ने फिर बोला, देखो मैं उसी राजा का मंत्री हूँ, उसी राजा का मैं मंत्री हूँ, तू जितना दुखी है ना तेरे जो पिता है तेरे ज्यादा दुखी तेरे पिता है। पिताजी मेरे को याद करते हैं, मेरे को पिताजी याद करते हैं, बोले तू जितने याद करते हो ना तेरे ज्यादा पिता तेरे को याद करते, दिन रात तेरी चिंता में गुमसुम रहते हैं, वो सुखी नहीं दुखी है। तो वो बच्चा बोले अगर मैं जाऊंगा तो पिताजी मेरे को सुधार करेंगे, तब उन्होंने बोले तेरे पिताजी मेरे को भेजे तेरे को लेने के, तेरे को लेने के लिए तेरे पिताजी भेजे हैं मेरे को, पर जाऊंगा तो स्वीकार करेगा तो मेरे को भेजे लेने के लिए, चलो। फिर तो उसने लेकर आए, पास आते ही
उसने पिताजी के चरण छुए, बाकी इतना बोल दिए एक्सक्यूज मी पिताजी, मेरी अपराध हो गया, माफ कर दो। बस पिताजी तो गोद में नहीं, और दोनों बेटा और पिता दोनों आंखों के आंसुओं से दोनों स्नान। देखो हम भी वही है, हम कौन है, राजा कौन है, हमारे भगवान श्री ठाकुर जी बांके बिहारी राजा है, हम सबके सब की सरकार। लेकिन वो हमें थोड़ा डांट लगा है, बोले क्यों, अब देखना बच्चा जब कोई गलती काम करता है ना, पिता डांट लगाते कि नहीं, शासन करते हैं, है? इसलिए ठाकुर जी भी हमें शासन किया। बोले क्या शासन किया, जैसे बच्चा का क्या करता है तो पिताजी का आदेश पालन कर, यही तो काम, बच्चे का नहीं करते ना, पिताजी की आदेश को पालन करना, सेवा करना। अगर बच्चा अगर गलत रास्ता में जाएगा पिता डांट नहीं लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं, आप लोग लगाते कि नहीं, लगा रहे ना। इसलिए हमने गलती किया थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भगवान ने पूछा, देख बेटा तू मेरे बच्चा, कितना तुम्हें ही वह माता च पिता तुम्हें ही वो, तुम्हें ही वह दुष्ट श्रद्धा, तुम्हें ही वो, तुम्हें ही वो विद्या, भगवान ही हमारी असली पिता है, हम इनके औलाद है। भगवान ने कहा, देख बेटा तू मेरी संतान हो, तेरा जो कर्तव्य है ना, मेरा नाम मेरी भक्ति करना ही तेरा कर्तव्य है। लेकिन हमने कहा, नहीं तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, हम कर माया की सेवा करेंगे, हम दुनिया की सेवा करेंगे, लेकिन तेरी सेवा हम नहीं करेंगे। भगवान को हमने इनकार कर दिया, मेरी सेवा नहीं करोगे, बोले नहीं हम तो माया की सेवा करेंगे। बोले देख ले माया, जा माया में देख ले, फिर हम संसार में आ गए। जब आ गए, लेकिन जो हम भगवान की संतान है, है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव ईश्वर का अंश है, हम उनकी सेवा छोड़कर माया की सेवा भी लगते। और भगवान ने हमें क्या किया, हमें दो कपड़ा पहना दिया। अब ये चीज को समझो, हमारी जो आत्मा है ना, इसके ऊपर दो कवर है, एक है सूक्ष्म शरीर, एक है स्थूल शरीर, इसको अकदर कमरी सूक्ष्म शरीर इसको कहते हैं। बोले हमें जो चीज नहीं दिखाई पड़ता है, जैसे मन, अब तो मन दिखाई पड़ता है हमें, लेकिन मन है कि नहीं। दूसरे नंबर बुद्धि, हमें बुद्धि दिखाई पड़ती है, दिखाई नहीं पड़ती ना, लेकिन बुद्धि है कि नहीं है। तीसरे चीज है अहंकार, अहंकार हमें दिखती है नहीं, लेकिन अहंकार है कि नहीं। इसलिए कोई कोई व्यक्ति कहते ना, हम जो चीज को देखते नहीं, वो चीज को कैसे मान लेंगे, देखे हुए चीज को तो मानेंगे ना। जो तार्किक लोग होते हैं, तो जिस चीज को देखे नहीं, हम भगवान को थोड़ी देखे हैं, जो भगवान को मानेंगे हैं, बिना देखे हम कैसे मान लेंगे। और बताओ, ये हवा दिख रही है क्या हमें, लेकिन तब महसूस करते कि नहीं, ये बड़ी गर्मी हवा बह रही, बड़ी ठंडी, लेकिन दिखता है क्या हवा, नहीं दिख रही, इसको मानते कि नहीं, मानते नहीं। हम कहते ना भैया, ये आदमी का मन बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा मन है, लेकिन क्या मन तुमको दिख रही है, दिख रहा है क्या, नहीं। लेकिन हम क्या कहते हैं, आदमी बड़े अच्छा है, हम कहते हैं बड़ा इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट दिखाओ कैसे, मगज को खोल करके देखो। लेकिन वो क्या दिख रहा है, लेकिन मानते कि नहीं, बुद्धि वही है। हम कहते ना ये आदमी बड़े अहंकारी है, लेकिन अहंकार क्या दिख रहा है, लेकिन उसका एक्टिविटी को देख करके हम कहते हैं ये अहंकारी। इसलिए ये आत्मा के ऊपर ये दो कवर, ये एक कवर हो गया, और दूसरी कवर दिया, मतलब दूसरी कवर किया हमें, जो ये दिख रहा है खेती जल पाप का गगन समीर पंच रचिये आत्मचर्या, जो मिट्टी वायु अग्नि जल आकाश, ये जो शरीर बना हुआ, ये आत्मा के ऊपर ये दो कवर है। और माया फेंका भगवान से, ऐसे फेंका माया भगवान से, हम यहाँ आकर देखे हम असलियत में जो चीज है, अभी हम इसको परिचय नहीं दे रहे हैं। किसको भूत लगता है देखे हो कभी, कौन कौन देखे किसको भूत लगे हुए, कौन कौन देखे कभी, देखे नहीं किसको भूत जब सवार होता है। आप देखना जब जिसको भूत सवार होता है ना, उसको पूछो तुम कौन है, जिस इंसान को भूत लगता है ना, वो अपना परिचय नहीं देता है। वो कहे तो अमुक जगह पर हमारे घर है, वो वहां पर केस खोल करके जा रहा था, नहीं तो वहां बैठा हुआ था, सब धज कर जा रही थी, मैंने पकड़ लिया। देखना वो असली आदमी अपना परिचय, भूत का परिचय देता है, किसका परिचय देता है, देखे कि नहीं भूत को, कभी नहीं देखे भूत को, लगे देखे कि नहीं। इसलिए देखना वो असली परिचय नहीं देखे, तो अपना असली परिचय देता है। उसी तरह हमारे ऊपर में भी ये तो भूत लग गया है, माया की भूत लग गई,
अगर तुम्हें पूछे भैया तुम कौन हो, बोले मेरा नाम ये है, बोले घर कहाँ, बोले ये है, बोले पति कौन, बोले ये है, बोले पिता कौन, ये सब भूत लगा हुआ है, ये सब भूत लगा हुआ हमारे पर, हमारी असली परिचय नहीं है वो, हमारे पर भूत लगा हुआ है, वो भूत का परिचय दे रहे हैं। असली परिचय क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखदासी, हम भगवान के अमृत पुत्र, भगवान के पुत्र है। लेकिन हम भगवान की भजन भक्ति छोड़ दिया, इसलिए माया ने हमें फेंका भगवान से, ऐसे फेंका इसे संसार में आ गए। क्या कर रहे हैं संसार में? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई सासुर से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, दुखी दुखी है कि नहीं? बताओ संसार में कौन सुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। इसलिए हम संसार में आकर के ये सब दुख कष्ट को हम भोग रहे हैं। लेकिन हमारे पिता कौन है? वाक्य बिहारी। पिता कौन है? वाक्य बिहारी हमारे पिता। लेकिन वो बड़े दुखी है, क्यों? हम उसकी सेवा को छोड़ दें, सेवा को छोड़ करके माया में देखो तुम, हम खुशी है। लेकिन ये हमारे बच्चा बड़ा दुखी है। आप बताओ पिता माता सुखी रहेंगे ना दुखी रहेंगे? अरे बोलो, दुखी रहेंगे ना? बच्चे अगर खुश हो ना, पिता माता देखेंगे खुश बेटा बना ठीक ठाक है, काम धाम कर रहा है, पैसा कमा रहे हैं ना, हम खुश है। लेकिन बच्चे खुशी नहीं, देखा पिता माता खुश नहीं रहते। हमारे पिता कौन? वाक्य बिहारी मैया राधा रानी है। अगर हम दुखी रहेंगे वो कभी सुखी हो सकते हैं? नहीं सुखी हो सकते। इसलिए उन्होंने भेजा कहाँ पर? राजा ने मंत्री को, जाओ मेरे बेटा को ढूंढ कर लाओ। कहते ये मंत्री कौन? बोले सदगुरु। मंत्री कौन है? सदगुरु इसी जगत में आते हैं। आ करके हम कर रहे हैं क्या? राजा की बेटा होकर के प्लेट धो रहे, बर्तन धो रहे और प्लेट को साफ कर रहे और पोछा लगा रहे, घर में पोछा लगा रहे। किसकी बेटा होकर के? बांके बिहारी की बेटा। किसके बेटा है? जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है उसका बेटे होकर हम दर दर भटक रहे, दर दर भटकते है। इसलिए वो आकर के बोले भैया तेरे पिताजी मेरे को भेजा है, तेरे पिताजी मेरे को भेजे लेने के लिए, चलोगे? आप लोग बोले चलोगे? कौन जाने के लिए तैयार है? अब जाए आप लोग तो बहुत अच्छा आदमी हो जब अपना घर में जाने के लिए तैयारी हो। इसलिए वो मंत्री आकर कहते चलो तेरे को पिताजी को साथ में मिला देता। बस उसको ला करके केवल इतना ही ठाकुर के चरण में बोलना, ठाकुर जी एक्सक्यूज मी, इतना और कुछ नहीं बोलना। ठाकुर जी हमारे अपराध को दूर कर दो, पाप को दूर कर दो, हम गलती से आपको हमने छोड़ दिए और इस संसार में हम भटक रहे, पिताजी हमें बाकी भी यार क्या करें, गोद में भर ले, हमें अपना गोद में भर लेने बाद सारी संपत्ति का मालिक, सारी संपत्ति का मालिक तुम ही बन जाओगे सारी संपत्ति के मालिक। लेकिन वहां जाने के लिए एक प्रोसेस है, पिताजी के पास में जाने के लिए एक प्रोसेस है। इसलिए पहले बताया ना, जैसे यहाँ से हम कहीं विदेश जाना चाहते, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया कहीं जाना चाहते हो, हमारे पास में क्या क्या होनी चाहिए? जोर से बोला, पहला होनी चाहिए पासपोर्ट, दूसरा होनी चाहिए वीजा और तीसरा होनी चाहिए क्रिकेट। अगर ये तीन चीज हो ना, फिर ना साधारण इस जगत में से अगर दूसरे जगत में जाना चाहते हो ये तीन चीज की जरूरत है। अगर हम ठाकुर जी को पास में जाना चाहते हमारे पास में तीन चीज होनी चाहिए। कहते भैया ये पासपोर्ट क्या है? बोले गले में तुलसी की कंठी माला, ये मैं मेरा जब मारा जमदूत उठते थे। बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं ना उनको मेरे पास मत लाया करो। बोले पता कैसे चलेगा कोई भक्ति करता नहीं करता? तो उन्होंने उदाहरण दिया जैसे सधवा स्त्रियां, हम कैसे पता चला ये सधवा और विधवा? कैसे पता चलता है? पता चलता है ना कोई सधवा विधवा? कारण क्या? जो सधवा सब सिंदूर लगाए हो, मांग भरी हो, नाक में बेसर पहनती चुड़िया पहने, लाल मंगलसूत्र पहनते हो, है ना, हाथ में चुड़िया लाल पीले रंग के कपड़े पहन, पता चलता है कि नहीं हमारे भारत में है? इसलिए जब महाराज कहते उसी तरह जो भगवान की भक्ति करते है ना उनका अंदर में भी कुछ लक्ष्य है। कि जब स्वयं कहते क्या गले में तुलसी की कंठी धारण,
इसलिए बोले दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता एक फालतू कुत्ता। बोले पता कहीं चलता है पालतू है, बोले गले में जिसका पट्टा है ना वो पालतू है और बिना पट्टे के जो घूमते हैं वो फालतू है। इसलिए कहना पालतू को कोई मारेगा नहीं, वो फालतू को छोड़ देगा। इसलिए हमें पालतू रखनी चाहिए, किसकी बाकी बिहार की पालतू। गले में जरूर तुलसी की माला होनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा कहते भीजा, भीजा क्या ये तिलक जाओ, देखो ये तिलक के लिए आप ढीले नहीं करना। अरे तिलक लगाने से क्या होता है, नहीं तिलक की बड़ी महत्व है, इतने महिमा तिलक की बताए, इतने महिमा शास्त्र कहता है, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा मैं नहीं कर, शास्त्र कहता है सावित्री हरिवल्लभा निश्च तस्यम भवेत देहे जस्य पद्मांकित। जो व्यक्ति ये तिलक धारणा करते हैं उसी के शरीर में लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा गया गंगा कुरु क्षेत्रम नित्य तस्य भवेत देहे। उसके शरीर में गया गंगा कुरुक्षेत्र नदी निवास करते हैं। शास्त्र कहता है बोले तिलक ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं फोटा लगा दिया, नहीं। पुराण कहता है बोले ऊर्ध पुंड्र धरम अर्थो ब्रियते जत्र पुत्र की। यदि ऊर्ध पुंड्र को धारण करते हुए ब्रियते जत्र पुत्र की, अगर कहीं भी वो शरीर छोड़ेगा, भगवान कहते हैं बोले सुपात, अगर वो चंडाल क्यों नहीं हो, भगवान विष्णु कहते हैं वो सीधा मेरे धाम में जाएगा। इसलिए आप नारायण को देखो, नारायण मूर्ति को देखे हो, देखा है कितना बड़ा तिलक है, देखना नारायण को मुंह में तो इतना आधा मुंह तो तिलक में भरा हुआ, देखो इतने मोटे आप धर नारायण को इतने मोटे मोटे तिलक। हनुमान जी को देखे हो, कौन कौन देखे हो, देखना कहीं छवि हनुमान जी को देखना कितने मोटे तिलक है। गणेश जी को देखे हो तिलक, माके बिहार को देखे हो कहीं, देखो कहीं मूर्ति देखो तिलक, राम जी को देखे हो। लेकिन आश्चर्य की बात है भगवान को सर्व नहीं लगता है, लेकिन हम भगवान से बड़े हो गए हमें सर्व लगता है। तिलक लगाए तो क्या बोलेगे, इतने मोटे मोटे तिलक लगा दिया तुमने, हैं? ठाकुर को सर्व नहीं लगता है, लेकिन हमें सर्व लगता है तिलक लगाने के लिए। क्या ठाकुर से माके बिहार से बड़े हो गए तुम? इसलिए देखना हम तो हिंदू है, देख लेना जैसे घर में पुजारी आता है पूजा कराने के लिए पहले क्या करता है, तिलक लगाए बगैर कोई पूजा ही नहीं करता, क्योंकि तिलक के बगैर पूजा उसका निष्फल हो जाती है। जैसे कोई बच्चा कोई अच्छे पढ़ाई किया तो बिजनेस में किसी अच्छे काम किए जाते तिलक लगा कर जा बेटा विजय प्राप्त हो, वही विजय प्राप्त हो। इतने तिलक की महिमा, जैसे माता है आप क्या करते हो, जब नहाते हो सबसे पहले नहाने का बाद क्या करते हो, सिंदूर लगाते ना मांग करती हूँ, तभी पति को सामने जाते हैं, क्योंकि शास्त्र ने बताया पति को सामने खाली सर में बगैर मांग और सिंदूर नहीं लगाई हूँ, पति को सामने नहीं जानी अपशकुन है। जगत का पति के लिए रिझाने के लिए तो इतना किया, लेकिन पति का जो पति परम पति है ठाकुर के लिए तुमने किया, ठाकुर के लिए किया करते, ठीक है ना। तिलक जरूर धारण करो, और ऐसे तिलक नहीं जैसे ठाकुर जी लगा, जैसे हनुमत लाल लगाए, ऐसे तिलक लगा तिलक बनना चाहिए, ठीक है ना। ये इस चीज को एकदम रेडी कर को, पहले पासपोर्ट, पासपोर्ट क्या हो गया गले में गंठी, ये चीज को आप मत समझो ये कोई, हाँ ये सब तिलक हमारे ऋषि मुनि ने जो जो चीज रखा है ना सब साइंटिफिकल रीजन है, ये मत समझो इसे गले में कंठी पहन लिया। रामदेव बाबा कोरोना का सबसे पहले मेडिसिन किसने निकाला है, रामदेव बाबा करोनी, आप पढ़ करके देखो उसमें क्या है, 80% उसमें तुलसी है। अब दुकान से एक मेडिसिन ढूंढना जिसमें तुलसी पावर, आज जाकर ढूंढ लेना, एक पेपर पढ़ना उसमें क्या लिखा हुआ, 200 बीमारी का मेडिसिन तुलसी पत्ते, कैंसर तक अगर सही कर सकता ये तुलसी है। इसलिए हमारे भारत की का जो संस्कार है ना, ऋषि मुनियों ने जो जो नियम रखा सबके सब साइंटिफिकल रीजन है। अब बताओ घर में कहां तुलसी पौधा लगाते हैं, आंगन में लगा रहे ना, कितने बड़े साइंटिफिक रीजन बताए, कितना बड़ी साइंस है। आप बताओ तो भारत में कौन सा पेड़ को पूजा करता है, बोलो तो, पीपल को पूजा करते हैं, आंवला को पूजा करते हैं, केला को पूजा करते हैं, केला और पीपल का पेड़, नीम का पेड़, तुलसी का पेड़, ऐसे पूजा करते हैं ना भारत में, क्यों पूजा करते हैं।
बड़े साइंस मिला विजय ने। देखो उसमें कहते हैं दीप में जितने वृक्ष है ना, इधर सुनो, दीप में जितने वृक्ष है ये सब के सब ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। लेते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अभी जितने पेड़ हिंदू लोग जितने वृक्ष पूजा करते हैं ना, आप पढ़कर तो देखना, वही वृक्ष रात को भी ऑक्सीजन देते हैं, वही वृक्ष ही रात को ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए हम लोग हिंदू में क्यों ये तुलसी पौधा लगाते हैं, ऑक्सीजन देती है। कहते जहाँ तुलसी की वृक्ष है उसका वातावरण जितना दूर तक जाए कोई बीमारी फटक नहीं सकती, वहां पर कोई बीमारी नहीं आएगी। इसलिए माताएं तुलसी में पेड़ में पानी देना, परिक्रमा करना, जो सेवा करना ना, सब साथ। जैसे भी तुम अनपढ़ हो लेकिन बड़े बड़े साइंस से तुम लोग साइंस जानने वाले हो, जो कुछ भारत में हमारे करते हैं वो सबके सब साइंटिस्ट ही है। ये वक्तव्य के भाव से कर रहे हैं नहीं, ये सब बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च करके जो बात ने बताई, समझ रहे हो? हाँ, इसलिए गले में तुलसी कट्टी बनी चाहिए। तुलसी कट्टी गले में इसको लगा करके स्नान करो, पानी शरीर में जाएगा, सारी बीमारी को निकाल देता है, सारी बीमारी निकल जाती है। इतने उसमें ताकत है, और जब महाराज कभी तो तुमको लेकर के जॉब पर नहीं जाएंगे, और देख लेंगे ना गले में कट्टी तिलक, दूर से प्रणाम करके, भैया बाकी भी आते किसके है, ये पालतू नहीं, ये पालतू है, फालतू नहीं, ये फालतू नहीं है। कौन है? बाकी बिहारी की पालतू है, पट्टल पट्टल है, किसको किसको पट्टा है सब, और किसकी पट्टा नहीं है, पट्टा है ना, इसलिए सब पट्टा ले लेना, आज कथा में सब पट्टा ले लेना, ठीक। इसलिए आप आज कथा में आओगे ना, कथा में वहां पर सबके सब गले में तुलसी की माला ले लेना, ठीक है। गले में तुलसी का चित्र नहीं करो, तिलक लगाओ, और क्या करो, भगवान की माला करो, हैं? भगवान की ये टिकट है जाने के लिए, भगवान का धाम में जाने के लिए हमारी यही टिकट है। देखना हम तो भारत ये है, भले ही जिंदगी में जो कुछ करो, मरते समय जो चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे क्या बोलेंगे, ये तो बोलते है ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात ये जो कई बोलते है ना, किसको बोलते हैं, जो लेटा हुआ उसको सुनाते हैं, बोले बेटा जितने जीवन में राम और कृष्ण का नाम लिया है केवल तेरे साथ में वही जा रहे हैं, इसके सिवाय जो कुछ उपजा जगत में झूठे में जीवन बिताया, यहाँ के सुई धागा तेरे साथ में नहीं जा रहा है। और जब जाएगा नहीं सुई धागा, फिर जब जाएगा उसके लिए क्यों समय नहीं दे, तो उसके लिए तो थोड़ा समय दो ना, समय देने की जाएगी नहीं। इसलिए भगवान की माला जप करो, भगवान की भजन करो, भक्ति करो, जीवन में आनंद में रहो, जीवन में सुख में रहो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन आज के आनंद की। और एक चीज जो भक्त लोग हमारे, देखो हम लोग ये कोशिश करना, जैसे ये भक्ति जगत में प्रचार हो, क्या कोशिश, इधर सुना, इधर जितने हमारी भक्त लोग यहाँ पर जुड़े हुए भाई लोग, हम लोग ये कोशिश करना, आप कहते ना क्रिश्चियन लोग को देखो, मुसलमान को देखो, वो अपना धर्म को प्रचार करते हैं, प्रचार करते हैं, माताएं घर घर में जा जा कर, हमने देखा क्रिश्चियन लोग को, हमारे भारतीय लोगों को पैसा के लोग दिखा कर इतने क्रिश्चियन बना रहे जो सोच नहीं सकते, इतने क्रिश्चियन लोगों को बना रहे, और मुसलमान लोग तो लगे पड़े हुए हैं किसी तरह से छुप करके हिंदुओं की लड़कियों को शादी करके झूठ मूठ नाम बोल करके, और कैसे उनको मुसलमान बनाने के लिए कोशिश करते हैं। हम हिंदू लोग सनातन धर्मी हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते, कर सकते कि नहीं बोलो, हाँ कर सकते हैं ना। इसलिए आप लोग भी कोशिश करो, हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, हमारे राम, हमारे कृष्णा, इनकी जगत में, हमारी जगत में इनकी भक्ति बचा हो, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, तुम्हारी जितनी यार दोस्त है ना बच्चा, जितने तुम्हारी यार दोस्त है हैं, उनको क्या करो, उनको भी भक्ति करने के लिए उनको प्रेरणा दो, उनको हैं, उनको भी प्रेरणा दो, तुम लोग भी भक्ति करो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, इसको बाद में अब मैं पूछूंगा मैंने क्या बोला है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति प्रचार करते हैं इसकी कितनी बड़ी दया है, अच्छे तरह से उसकी याद कर लो भैया लोग, ध्यान से कथा सुनो, कथा को प्रचार करना, ठीक है ना। जो दूसरों को भक्ति करते है कितने लाभ है, एक छोटी सी कहानी सुना, याद रखना सबके साथ, कथा में मैंने बहुत सारी कहानी बताई, पता नहीं तुम याद रखती नहीं,
इसलिए एक समय एक पिता और एक छोटा बच्चा था, वो मेला देखने के लिए गए। वो बच्चा छोटा सा है और पिताजी का अंगुल पकड़ करके वो मेला देख रहे थे। पता नहीं जो घूमते हैं इसको क्या बोलते हो, झूला। हाँ, कहीं थिएटर, कहीं नाटक, कहीं झूला, तरह तरह का मेला में होता है। वो बच्चा पिताजी का अंगुल पकड़ कर बड़ा खुश होकर देख रहा, बड़े खुश हो गए। लेकिन वो बड़े टहलचल था मेला में। ऐसे करते करते हठात क्या हुआ, वो पिताजी के हाथ से बच्चे का हाथ अलग हो गया। बच्चा तो छोटा था, बड़े टहलचल था। थोड़ी देरी बाद में देखा पिता अलग और बच्चा अलग। इतने में बच्चा तो रोने लग गया, मेरे पिताजी कहाँ, पिताजी कहाँ। पिता भी पागल होकर ढूंढ रहे हैं, मेरे बच्चा कहाँ हो गया, इतने मेला में टहलचल पता नहीं कहाँ गया, रो रहे हैं। जब बच्चा रो रहा था, इतने में देखा लोग इकट्ठे हो गए, देखा छोटा बच्चा रो रहा है, पापा पापा बोल करके। किसी ने उसको खिलौना दिया, थोड़ी समय के लिए रोना बंद, फिर मेरे पापा जी कहाँ, पापा जी कहाँ। कोई आकर थोड़ा मिठाई दे दिया, थोड़ा चुप, बोले मेरे पापा जी कहाँ, पापा जी कहाँ। किसी ने आकर खिलौना दे दिया, चुप, फिर। लेकिन बच्चे का रोना बंद, थोड़ी समय के लिए रोना बंद, फिर रोना। उसमें कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति था, बोले भैया जब तक इसको पिताजी को ढूंढ करके नहीं ला दो ना, भले ही इसको जो कुछ भी दे दूंगी, इसको रोना बंद नहीं होगा, ये खुश नहीं होगा। उसने ढूंढा उसको पिताजी का, और ढूंढते ढूंढते जब थोड़ी दूर गया, एक व्यक्ति पागल हो करके, भैया मेरे बेटा छोटा बच्चा कहीं खो गया, बेटा कहीं खो गया, कहाँ खो गया। एक व्यक्ति ने कहा तेरे बच्चा खो गया, बोले हाँ। बोले वहां पर देखा कि छोटा बच्चा रो रहा है और ऐसे टी शर्ट पहन करके रो रहा है, ऐसे रंग का। बोले हाँ मैं तो पिता, मेरे तो बच्चा। बोले कहाँ पर, बोले आ जा। उसको जब ले आया, बोले ये तेरे बच्चा, बोले हाँ। बोले ये तेरे पिताजी, बोले हाँ। ए पिताजी का हाथ पकड़ कर ना वो बच्चा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया खुश। अब उसको टफी देने का भी जरूरत नहीं, चॉकलेट देने का भी जरूरत नहीं, कोई मिठाई देने का भी जरूरत नहीं, वो खुश है। देखो कहते मेला किया, बोले संसार। बोले कब तक वो बच्चा मेला का आनंद ले रहा था, कब तक, जब तक पिताजी के अंगुल को पकड़ कर रखा था, तब तक वो आनंद ले रहा था। वही मेला, वही सब कुछ है। लेकिन जब पिताजी के हाथ से उसका हाथ अलग हो गया ना, वो मेला के आनंद दे रहा है बच्चे को, रो रहा है। मेरे मेला वही है, मेला तो वही है, लेकिन वो अभी वो मेला उसको आनंद नहीं दे रहा, वो दुखी होकर के रो रहा है, दुखी होकर के रो रहा है, दुखी होकर के। लेकिन उसको खुश करने के लिए कोई टफी दे दिया, थोड़ी देर बाद फिर रोना। कोई खिलौना दे दिया, खुश, फिर रोना। कोई जब खुश, फिर रोना। उसी संसार में भी हम भी तब तक संसार में खुश रहेंगे जब तक पिताजी की अंगुल को पकड़ कर रखेंगे। जब तक हम पिताजी की अंगुल को पकड़ कर रखेंगे तब तक खुश रहेंगे। लेकिन वही संसार है, वही संसार, लेकिन वो संसार उसको खुश नहीं दे रहा। लेकिन इस संसार में खुशी होने के लिए कोशिश करते कि नहीं खुश होने के लिए। उदाहरण दिया, जैसे कोई एक विपत्ति पड़ी, जैसे तुम्हारे कपड़ा नहीं, किसने कपड़ा दे दिया, लेकिन कपड़ा कितने दिन तक पड़े होंगे, दो चार महीना, फिर फट जाएगा। भूख लग रहा है, किसने खाना खिला दिया, कितने समय के लिए भूख जाएगा, तीन चार घंटा, फिर तुमको भूख लगने लग जाएगी। कोई बीमारी, उसको दवा दे दिया थोड़ी समय के लिए, शरीर खराब होने लग जाएगी। लेकिन इसी संसार में भी हमें भी खुश करने के लिए सबके सब प्रयास कर गए, सबके सब हमें प्रयास कर रहे खुश होने के लिए। लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देख देना, जैसे कोई एक दुख है, हम सोचते हैं किसी तरह से ये दुख अगर चले जाए शांति होगा। लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देख लेना, एक दुख तो गई नहीं, दूसरे दुख सामने खड़े है कि नहीं। सोचते हैं किसी तरह से दूसरे दुख चले जाए, अब देखना वो भी नहीं गया। तीसरी समुद्र में जो लहरी आती है ना, एक को बाद में एक, एक को बाद में। देखो कोई इसको टफी, कोई चॉकलेट दे रहे हैं, लेकिन ये भी उसको पर दया की है। लेकिन सबसे बड़ी दया किसने की है, जिसने उसको पिताजी को ढूंढ करके बच्चे को हाथ में। जब बच्चे को हाथ में पिता मिल गया, पिता भी खुश और बच्चे भी खुश। उसी तरह ये संसार में जितने दुख कष्ट है, कारण है भगवान को भूलने का, वजह से ये सारे समस्या है।
अगर हमारे जो असली पिता है जो तुम्हें व माता च पिता तुम्हें जो बांके बिहारी, अगर किसने बांके बिहारी को ला करके हमारे हाथ में पकड़वा दिया, अंगुल पकड़वा दिया, बस सारे दुख हमारी खत्म। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले हे अर्जुन माम उपतुतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब तक ये जीव मेरे पास में नहीं आ जाते हैं, मेरे बच्चे हैं, जब तक ये मेरे पास में नहीं आते हैं अर्जुन, कभी ये संसार में सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तत्प्रसादात परम शांति, जब मेरी कृपा जीव को ऊपर होगी तब परम शांति परम आनंद तभी मिलेगा, नहीं तो ये दुनिया में। गोस्वामी जी कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। हरि से विमुख हो करके रावण जैसे व्यक्ति, सोने की लंका जिसकी पास में, हम सोचते ज्यादा पैसा होने पर सुखी हो जाएंगे, रावण जैसे कुछ पैसा हो सकता है? सोने की लंकी सोचते कुछ अच्छी छोरी से शादी हो जाएगी खुश हो जाएंगे, मंदोदर जैसे पत्नी एक नहीं कितने पत्नी उसकी, अच्छा छोरा होने पर सुख हो जाएगा, मेघनाथ जैसे बेटा शांति नहीं। रामायण पढ़कर देखो, शंकर जी से प्रार्थना करते हे भोले बाबा कदा सुखी भवा, कब मेरे को शांति मिलेगा, मन अशांत है, मन शांति नहीं, सारा दुनिया के ऐश्वर्य उसको शांति नहीं मिला, हम कितने पैसे कमाएंगे, कितना अच्छी छोटी सी शादी कर लोगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। लेकिन लंका में एक व्यक्ति चैन से जी रहा था, कौन है? क्यों? राम की शरण। हनुमान जी पूरा लंका जला दिए, हनुमान जी को शंकर जी है, लेकिन किसकी घर में आग नहीं लगाई? क्यों? राम की भक्ति शिक्षा देते हैं, जो भजन नहीं करेगा सबको घर में आग लगा दूंगा, हनुमान जी शिक्षा देते सब शंकर, हनुमान जी शंकर है ना, संघार गांव है, अरे भजन नहीं करोगे ना आग लगा दूंगा तुम्हारे घर में, उसी व्यक्ति का घर छोड़ूंगा जो प्रभु राम की शरण में जाएगा। इसलिए लंका भगवान राम पूरा ध्वंस कर दिया लंका को, लेकिन छोड़ दिया जिसको, भगवान भी इसकी क्या देते हैं, अगर मेरे शरण में नहीं आओगे ना, जितने राज ऐश्वर्य क्यों ना हो सब खत्म कर दूंगा, अगर केवल मेरे शरण में आओगे तो रखिया तुमको रखिया मिलेगी, नहीं तो रखिया तुम्हें मिलेगी। इसलिए क्या करना पड़ोगी, शरण में जाओ, गले में कंठी तिलक माला जप करो, भजन करो, सुखी भी रहोगे, नहीं तो भैया नहीं तो दुनिया में सुखी, जिसने दुनिया बनाया वो खुद कहते दुख का ये घर है, ये दुख का ये घर ही है, हाँ सुखी वही है जो राम का दास है। ठीक है, भगवान की हरि नाम करो, भजन करो, सुखी रहो और जीवन में सुखी रहो और जीवन में आनंद में रहो। बोले श्री वृंदावन आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम। जो कथा में जुड़ जाओगे ना, जिसको पट्टा बांधने की इच्छा है, और जिसको पास माला नहीं कथा कथा में आती है कि नहीं, आज गिरिराज की पूजा, गिरिराज के थोड़े से कुछ बना कर लिया, उनको उनके लिए थोड़े से कुछ बना कर लाओगे तो गिरिराज के कभी तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, घर में लक्ष्मी हाथ में खड़ी रहेगी, गिरिराज स्वयं ये स्वयं प्रकट होकर वरदान दिया है। कितने महिमा अंदर कुटुंब महोत्सव की सब लेकर के आना, और प्रसाद आपके लास्ट में प्रसाद आपको ही मिलेगा। ठीक है, हाँ गर्ग लाल जी देखा जाएगा।